दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र और मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ। इस्लाम धर्म में चार आसमानी किताबें हैं, जिनमें से एक का नाम है तौरात शरीफ, दूसरी का नाम है जबूर शरीफ और तीसरी का नाम है इंजील शरीफ और चौथी का नाम है कुरान शरीफ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कुरान शरीफ के बारे में बहुत ही गजब की बातें बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद आपकी नॉलेज पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मैं आप सभी को कुरान शरीफ की ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अब से पहले नहीं पता होगी। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को फिर तक देखना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटे का बटन भी दबा दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। कुरान शरीफ अब से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और ये रमजान के महीने में नाजिल हुआ था। कुरान शरीफ अरबी जबान में नाजिल हुआ था और पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली कुरान शरीफ अरबी जुबान में ही होती है। कुरान शरीफ के अंदर 30 पारे होते हैं और कुरान शरीफ के अंदर सारी टोटल 114 सूरतें होती हैं और पूरी कुरान शरीफ के अंदर कुल रुकू 540 होते हैं और पूरी कुरान शरीफ के अंदर कुल 6666 होती है और पूरी कुरान शरीफ के कुल अल्फाज 86430 है और पूरी कुरान शरीफ के कुल हरूफ 3,23,760 है और पूरी कुरान शरीफ के अंदर 14 सजदे हैं, यानी 14 ऐसी आयत हैं जिनको पढ़ने के बाद सजदा वाजिब हो जाता है। और दोस्तों, कुरान शरीफ की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा है, जो पहले पारे से शुरू होती है और तीसरे पारे में जाकर मुकम्मल होती है। और कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, जो आम के पारे में होती है। और दोस्तों, कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत सूरह बकरा होती है और सबसे आखिरी सूरत सूरह नास होती है। और दोस्तों, सूरह यासीन शरीफ को कुरान शरीफ का दिल भी कहा जाता है, यानी कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन होती है। और फजीलत के हिसाब से कुरान शरीफ के अंदर आयतल कुर्सी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाने वाली कुरान शरीफ सेम होती है, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। किसी भी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, हर जगह पर कुरान शरीफ को अरबी जबान में ही छापा जाता है और इसमें एक भी लफ्ज की, एक भी शब्द की हेर फेर या चेंजिंग नहीं होती है। और दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धार्मिक किताब जो है वो कुरान शरीफ है। दोस्तों, यही कुछ बातें थी कुरान शरीफ से जुड़ी हुई जो मैं आप सभी को बताना चाहता था। आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना, ताकि कुरान शरीफ की ये सभी बातें दूसरों मुसलमान भाइयों को भी पता चल जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ।